हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि एडमिन पैनल को पीएचपी की वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करते हैं। इससे पहले के ट्यूटोरियल में मैंने एडमिन पैनल आपको बनाना बताया था कि एडमिन पैनल कैसे बनाते हैं, और पीएचपी गार्डनर की सीरीज थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे डिजाइन को कट करना है, कैसे उसका एडमिन पैनल बनाना है। ये अपना लास्ट पार्ट है गार्डनर वेबसाइट का कि एडमिन पैनल जो हमारा बन गया था उसको कनेक्ट कैसे करेंगे अपने डिजाइन से। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे समझते हैं, करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है और साथ ही साथ मैंने डाटाबेस भी ओपन कर लिया है जहां पर मेरी टेबल्स है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जहां पर मेरा ये डिजाइन है और एडमिन फोल्डर है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडेक्स पेज पर चलते हैं। सबसे पहले इंडेक्स पेज को डायनामिक करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, कनेक्शन फाइल को इंक्लूड कर लेना। तो हमारी जो कनेक्शन फाइल है वो कहां पर है जरा देख लेते हैं। वो है एडमिन में इंक्लूड्स में कनेक्शन के नाम से। तो ठीक है, हमने लिखा एडमिन इंक्लूड्स connection.php। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि जो हमारा इंडेक्स पेज है वो हमारे डाटाबेस से कनेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो हमने एक फाइल बनाई थी ऑल फंक्शन, जिसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस हैं जिसको हम बार बार रीयूज कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इंक्लूड करवा देंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। देखो आपको मेन ना इसको समझना है, आप ये मत देखो मैं कैसे कैसे करे जा रहा हूं, आपको इसको अच्छे से समझना है स्टेप बाय स्टेप। फिर आप समझ जाओगे तो इससे क्या होगा, आप किसी भी एडमिन पैनल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर पाओगे। तो समझना जरूरी है। मैंने यहां लिखा ऑल फंक्शन डॉट पीएचपी। तो देखो मैंने दोनों फाइल यहां पे इंक्लूड करवा ली, पहली फाइल जिससे मेरे डाटाबेस से कनेक्टिविटी हो गई, दूसरी फाइल जहां से मैं फंक्शन यूज कर पाऊंगा। अब आते हैं अपने पेज पे। देखो सबसे पहले क्या हमें ये डायनामिक करना है, इसके साथ साथ मैं इसका एडमिन पैनल ओपन कर लेता हूं और उसे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमने डायनामिक बनाया है। एडमिन, इसका यूजर आईडी पासवर्ड हम यहां से देख लेते हैं। एडमिन एडमिन है, एडमिन। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास साइट सेटिंग का। तो ठीक है, देखो साइट सेटिंग से ही शुरुआत करते हैं। साइट सेटिंग में देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पे डाटा फिलअप है। अब मैं चाहता हूं कि ये चीज मुझे अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना है। तो आपको क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, नंबर, लोगो, ये सारी चीजें हमारी साइट सेटिंग में है, ये चीज हमें प्रिंट करनी है वेबसाइट। तो मैंने क्या किया, फ्रंट पे गया मैं और फ्रंट में जो हेडर है उसको मैंने ओपन कर दिया। अब यहां पर देखो मैंने लिखा कोड पीएचपी डॉलर साइट सेटिंग डॉलर, और यहां पर मुझे क्या करना है, सेलेक्ट फंक्शन को कॉल करवाना है, सेलेक्ट बाय आईडी को कॉल करवाना है, क्योंकि इसमें क्या एक ही डाटा है, साइट सेटिंग में क्या है एक ही डाटा है। मैं साइट सेटिंग में टेबल पर गया, इसमें क्या एक ही डाटा है। तो मैंने क्या कर लिया, इस फंक्शन को यूज कर लिया, सेलेक्ट डाटा बाय आईडी। तो मैंने लिखा यहां पर सेलेक्ट डाटा बाय आईडी, और इसको मुझे क्या पैरामीटर भेजना है, टेबल और आईडी। तो ठीक है, हमारी टेबल का नाम क्या है। देखो आपको सीधा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फ्रंट है ना, इस पर सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर हम सेलेक्ट की क्वेरी चलाते हैं, क्योंकि हमें डाटा प्रिंट करना होता है। जैसे कि अभी मैं करना चाह रहा हूं, मैंने सेलेक्ट क्वेरी चलाना, मैं सेलेक्ट बाय आईडी करना चाह रहा हूं। तो मैंने यहां लिख दिया टेबल का नाम, उसके बाद हमें क्या देना है, इसको आईडी। तो मैंने इसको लिख दिया कि जिसकी आईडी 1 हो। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे को डाटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। प्रिंट आर, और साइट सेटिंग को प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। तो एक बार ये देखो डाटा में परफेक्ट मिल रहा है, नंबर ये सब मिल रहा है हमें। अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। ऐसे टेस्ट कर सकते हो, अपना कोड ना चेक कर सकते हो इस तरीके से। अब यहां पर हमें क्या करना है, नंबर प्रिंट कराना है। तो इसके लिए डाटाबेस में चलते हैं और कॉलम का नाम देखते हैं। हमारे कॉलम का नाम क्या है, फोन वन।
तो मैंने यहां लिखा php echo dollar site setting और इसके अंदर मैंने लिख दिया phone one। चेक करते हैं, देखो और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पहले देखते हैं नंबर हुआ कि नहीं हुआ। देख रहे हो परफेक्ट हमारा नंबर चेंज हो गया। अब ये नंबर क्या डायनामिक हो गया, जैसे ही मैं यहां बदलूंगा, जैसे मैं बदल के दिखाता हूं आपको, मैंने लिखा 9900887766 ये चेंज करा मैंने। सबमिट करते हैं और चेक करते हैं, तो देखो परफेक्ट हमारा डायनामिक हो चुका है अब ये। अब जैसे ही मैं साइट सेटिंग में कोई नंबर बदलूंगा तो यहां पर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अब ईमेल के लिए आप प्रिंट कर दो, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को मैंने कर लिया कॉपी पेस्ट, और इस पे मैं क्या लिख दूंगा, इस पे मैं लिख दूंगा ईमेल। अब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हमारे पास है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, तो ठीक है बैकएंड में देख लेते हैं एफबी, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो यहां पर आ जाओ आप इसके एचआरईएफ में, एचआरईएफ पे मैंने लिख दिया एफबी, क्योंकि सबसे पहला जो है वो एफबी का आइकन है, और उसके बाद ट्विटर है तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ मैंने लिख दिया ईडब्ल्यू ट्विटर। थर्ड नंबर है लिंक्डइन, तो लिंक्डइन हम देख लेते क्या है, इसको कर लेते हैं कॉपी, तो ये हो गया लिंक्डइन, और इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, ये हो गया हमारा इंस्टा। तो चेक कर लेते हैं एक बारी कोड अपना, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो परफेक्ट हमारा ईमेल आईडी बदल गया, नंबर बदल चुका है और सोशल मीडिया के लिंक भी लग चुके हैं। तो इस तरीके से हमने साइट सेटिंग कर लिया। अब साइट सेटिंग हमारा क्या रह गया, ये रह गया लोगो रह गया। तो ठीक है इसी में आ जाओ आप नीचे, ये हमारा लोगो है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे तो हेडिंग है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम IMGSRC लगा लेते हैं, IMGSRC। अब देखो हमारी जो इमेज है वो अपलोड कहाँ पे हुई है, हमें पाथ पता होना चाहिए। तो हमने जो इमेज अपलोड कराई थी वो यहाँ करवाई थी अपलोड फोल्डर, तो ठीक है हमको पाथ देना होगा एडमिन अपलोड्स, और फिर जो है हम पेस्ट कर देंगे कोड, यहां पर हम लिख देंगे लोगो। चेक कर लेते हैं, तो देखो परफेक्ट लोगो आ गया। तो इस तरीके से हमने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया कि जो हमारा साइट सेटिंग था उसको हमने अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर लिया। हेडर से तो कनेक्ट हो गया, अब इसको हमें फूटर से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फूटर पे जाएं तो फूटर पे भी क्या है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, सोशल मीडिया, इस पे भी कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप क्या करते हैं, फूटर को भी कर लेते हैं कनेक्ट। इंक्लूड्स में गया मैं, फूटर ओपन किया, और सेम वही कोड जो हेडर पे है ना, इसी कोड को मैंने कर लिया कॉपी, यहां कर दिया मैंने पेस्ट, और क्या करते हैं एड्रेस सबसे पहले प्रिंट कर देते हैं, इसमें एड्रेस है, हाँ ये रहा एड्रेस। तो यहां पर मैंने लिखा php echo dollar site setting address, उसके बाद फोन नंबर प्रिंट करना है हमें, तो php php echo dollar site setting फोन वन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि बार बार लिखना ना पड़े मेरे को, इसको मैंने कर दिया ईमेल, और ये फेसबुक है तो ये सॉरी ये क्या है ट्विटर है, सबसे पहले ट्विटर है कि फेसबुक, ट्विटर है, तो इसको मैंने कर दिया TW पर, चेक कर लेते तो परफेक्ट हमारा एड्रेस बदल गया, नंबर बदल गया, ईमेल भी चेंज हो गई और ट्विटर का आइकन पर लिंक भी लग गया। तो ऐसे ही हम सब पे लगा लेते हैं, इसको मैंने कर दिया फेसबुक, ये यूट्यूब का है तो यूट्यूब पर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, यूट्यूब है तो इसको मैंने लिख दिया यूट्यूब। उसके बाद है लिंक्डइन, इसको मैंने लिख दिया लिंक्डइन, चेक कर लेते हैं स्पेलिंग, ठीक है परफेक्ट है, चेक करते हैं जरा,
तो ये हमारा फूटर भी डायनामिक हो गया। तो इस तरीके से आपकी जो साइट सेटिंग है उसको आप अपने हेडर और फूटर से कनेक्ट कर दो। अब इसी के बाद चलते सीधा कॉन्टैक्ट पेज पे। कॉन्टैक्ट पेज का एरर शो कर रहा है, कॉल टू अनडिफाइंड, हेडर पे एरर शो कर रहा है, कोई नहीं उसको देखेंगे। देखो हमारा अभी इंडेक्स पेज पे बात करते हैं, तो इंडेक्स पेज पे क्या हुआ, हमारा हेडर और फूटर जो है वो डायनामिक हो गया। अब इसी इंडेक्स पेज पे क्या है हमारा सेकंड पार्ट है हमारा इंक्वायरी स्किप करते हैं अभी स्लाइडर। ये स्लाइडर्स कि भाई ये जो मूव हो रहे हैं यहां पर मुझे क्या करना है कि जो मैं एडमिन में ईमेल डालू वो प्रिंट होनी चाहिए। देखो जो पहला स्टेप मैंने करा वो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या करा कि ऑल फंक्शन में हमारे पास एक फंक्शन है सेलेक्ट डाटा बाय आईडी, और साइट सेटिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ चीजों को एडिट करते हैं। भाई नंबर है तो बार बार थोड़ी डालेगा, ये तो एडिट करने की चीज है। लोगो है, कोई एक से ज्यादा लोगो थोड़ी यूज करेगा, तो ये एडिट करने की चीज है। तो मैंने क्या करा सेलेक्ट डाटा बाय आईडी से डाटा लेकर आया और उसको मैंने प्रिंट कर दिया। अब आ जाते हैं अपने इंडेक्स पेज पे स्लाइडर वाले एरिया पे। तो स्लाइडर वाले एरिया में क्या ध्यान रखना है, देखो स्लाइडर अलग अलग तरह के होते हैं। ये जो स्लाइडर है इसमें एक्टिव क्लास लगी हुई है, तो जो एक्टिव क्लास लगी हुई है उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, दिखाता हूं मैं आपको करके। और जो नॉन एक्टिव होता है उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो हमें क्या करना है, जो चीज रिपीट होगी, देखो ये डिव रिपीट होगी हमारी, ये जो डिव है ये रिपीट हो रही है बार बार, तो जो चीज रिपीट होगी उससे पहले आपको अपना कोड लिखना है। मैंने लिखा पीएचपी डॉलर स्लाइडर डाटा इक्वल टू, अब यहां पे जो आपको फंक्शन कॉल कराना वो कराना फेच ऑल डाटा, मेरे को सारा डाटा लेकर आना। तो मैंने फंक्शन कॉल कराया और इसमें हमारी स्लाइडर की टेबल का नाम क्या है जरा देख लेते हैं। स्लाइडर टेबल का नाम है गार्ड अंडरस्कोर स्लाइडर। तो ये मैंने कर लिया कॉपी, ये मैंने पास कर दिया। इससे क्या होगा, जो भी डाटा है वो इस वेरिएबल में आ गया। अब इससे पहले आपको लूप स्टार्ट करना, मैंने स्टार्ट किया व्हाइल लूप, मैं लिखा डॉलर स्लाइडर इक्वल टू MySQLi underscore fetch underscore array और इसमें पास कर देना इसको स्लाइडर डाटा। ये मैंने लूप स्टार्ट किया और यहीं पे मैंने सेपरेटली इसको क्लोज कर दिया। अब देखो एक्टिव वाले केस में क्या होता है, एक्टिव वाले केस में ना आप एक और वेरिएबल बना लेना डॉलर i इक्वल टू जीरो नाम से एक वेरिएबल बना लेना और लूप के बाद कंडीशन लगा देना कि इफ डॉलर i इक्वल इक्वल टू जीरो, कि अगर ऐसा है तो क्या करो, यहां कंडीशन मैंने बंद कर दी। इसका मतलब ही बताऊंगा, पहले मैं कोड लिख लेता हूं फिर इसका मतलब आपको समझाऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। फिर मैंने लिख दिया एल्स और एल्स को मैंने यहां बंद किया, ये मेरा एल्स बंद हो गया और ये मेरा लूप बंद हो गया और इसको मैंने आई प्लस प्लस कर दिया। देखो होता क्या है, जो एक्टिव क्लास है वो एक बार में एक ही डिव पे अप्लाई होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्या करा एक वेरिएबल बना है आई इक्वल टू जीरो, जो कि फर्स्ट टाइम जीरो होगा तो मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम इस डिव को रहने दो और सेकंड टाइम से क्या करो ये रिपीट करो बार बार। अब हमें क्या करना है, इमेज प्रिंट करनी है, तो आप यहां पर आ जाओ इमेज वाले एरिया पे। हमारी जो इमेज है वो कहां पर है, एडमिन फोल्डर में है, अपलोड्स में है और यहां पर फिर क्या करेंगे हम, जो हमने डेटाबेस में एंट्री करी है उसको प्रिंट कर देंगे डॉलर स्लाइडर और चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से इमेज ही नाम रखा होगा मैंने इमेज, इसको मैंने लिख दिया सॉरी इसको मैंने लिख दिया इमेज। तो ये हमारी इमेज डायनामिक हो गई। इसी को सेम मैंने कर लिया कॉपी और ये मैंने कर दिया यहां पर पेस्ट। अब उसी के साथ साथ देखो अंदर देखते हैं जरा, हेडिंग का भी बनाया हुआ है मैंने, तो यहां पर हम क्या करेंगे हेडिंग प्रिंट कर देंगे। यहां मैंने लिख दिया हेडिंग, ये इमेज में मैंने देखो थोड़ा गलत लिख दिया, एंगल ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा लग गया है, इसे भी हटा देता हूं। अब इसी तरीके से मैं ये हेडिंग का जो कोड है यहां से कॉपी करके यहां भी पेस्ट कर देता हूं
बस परफेक्ट, ये हमारा स्लाइडर डायनामिक हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो देखो परफेक्ट हमारा स्लाइडर डायनामिक हो गया। तो इस चीज का ना आपको ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर वो एक्टिव है ना तो एक्टिव में इस तरीके से कंडीशन लगती है। अगर एक्टिव क्लास नहीं है, आप कोई प्लगइन यूज कर रहे हो, तब आपको ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर सीधा लूप यहाँ पे स्टार्ट होगा और लूप जहां वो बॉक्स बंद हो रहा है वहां पे लूप बंद हो जाएगा। बिगनर जो है सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं लूप चलाने में कि कहां से स्टार्ट करना है, कहां से बंद करना है। इसका सिंपल सा फंडा है, आपको ध्यान रखना है कि देखो ये चीज मूव हो रही है मेरी और इसी चीज का कोड देखो रिपीट हो रहा है बार बार। तो जो चीज रिपीट हो रही है उससे पहले आप लूप चलाओ और वो रिपीटिशन जहां बंद हो रही है, मतलब सेपरेटली जहां बंद हो रही है वहां लूप आप बंद कर दो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, अपना स्लाइडर जो है वो डायनामिक कर लिया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन क्या है हमारा, सर्विसेस। तो यहां पर आ जाओ आप सर्विस टैब पे। सर्विस टैब जो है वो हमारी डायनामिक है। तो आपको करना क्या है, देखो यहां आ जाओ आप सर्विस वाले पे, सर्विस हमारा ये सर्विस, ये देखो ये आ गया हम सर्विस टैब पे। अब देखो सर्विस टैब पे क्या है हमारे पास, ये नंबर ऑफ बॉक्स है। तो आपको सबको डिलीट कर देना, सिर्फ एक बॉक्स को रखना है, समझाता हूं। देखो ये पोल एलजी 4 है, इसको हम रखेंगे, बाकी को हम डिलीट कर देंगे। बाकी को आपको क्या करना है, डिलीट कर देंगे। क्योंकि बाकी जो रिपीटेशन है वो हम लूप से करेंगे। तो ये मैंने क्या करा, इसको डिलीट कर दिया। अब देखो ये चीज रिपीट हो रही थी, कॉल एलजी 4, यहां पर आप एंटर मारो और यहां पे सेम आप लूप कोड लिखो। यहां पर मैंने लिखा डॉलर टेस्टी सॉरी सर्विस डाटा, और यहां पर हम यूज करेंगे फेच ऑल डाटा। देखो बहुत सिंपल है, बस आपको फेच ऑल डाटा का फंक्शन कॉल कराना है और काम हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगी वेबसाइट हमारी। सर्विसेज पे गए हम, हमने कॉपी कर लिया टेबल का नाम, पेस्ट, डाटा आ गया हमारे पास। लूप चला दो, सॉरी यहाँ पे ठीक है, वाइल लूप चला दो। और यहाँ पे कोई एक्टिव वगैरह है नहीं तो सीधा डाटा लेकर आएंगे। मैंने लिखा सर्विसेस इक्वल टू माई एसक्यूएल आई फेच एरे, इससे मैंने लिख दिया डॉलर सर्विस डाटा और डिव कॉल एलजी 4 के बाद देखो आपको क्या करना, लूप को बंद कर देना। ये हमने रिपीट, देखो रिपीट हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। देखो रिपीटेशन हो गया मेरे ख्याल से, सर्विस हमने कितनी ऐड करी जरा चेक करते हैं। अच्छा एक ही सर्विस ऐड करी है इसलिए एक बॉक्स आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ दो चार सर्विस ऐड कर देता हूँ। अब इमेज तो देखो मेरे पास है नहीं तो मैं गाड़ियों की इमेज डाल लेता हूँ, आप अपने सर्विस के अकॉर्डिंग जो है वो इमेज यूज कर लेना। मैंने यहाँ लिख दिया सर्विस टू, आइकन अभी है नहीं है मेरे पास, मैंने उस पर लिख दिया, सबमिट कर दिया, दो सर्विस हो गई। ऐसी मैंने क्या करा, एक कोई दूसरी इमेज ले लेता हूँ, यहां मैंने लिख दिया सर्विस 3, सेव कर दिया। तो हमारे पास तीन सर्विस हो गई, अब चेक कर लेते हैं। तो देखो तीन बॉक्स आ गए। अब हमें करना क्या है, इमेज चेंज करनी है, आइकन तो है ही नहीं हमारे पास, आइकन मैंने डाला ही नहीं, तो कोई नहीं चेक करते हैं जरा। तो ये है सर्विस 1, ये आइकन है। तो सबसे पहले इमेज को प्रिंट कर लेते हैं। मैंने लिखा एडमिन अपलोड्स पीएचपी इको डॉलर सर्विसेस सॉरी इमेज, चेक कर लेते हैं जरा। तो देखो परफेक्ट इमेज आ गई। अब यहां पर आ जाओ, इमेज के साथ साथ हमें क्या करना है, नेम आइकन और नेम और आइकन करना। तो पहले आइकन ही कर लेते हैं, आइकन डाला तो है नहीं हमने तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। यहां मैंने लिख दिया आइकन, उसके बाद यहां पर आ गया हमारा नेम, नेम
यहां पर हम डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर देंगे, सॉरी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा चेंज करना है, अभी चेक करते हैं जरा पहले। ये देखो हमारा आइकन नहीं है जिसकी वजह से देखो थोड़ा सा डिजाइन बिगड़ गया, तो उससे कोई इश्यू नहीं है, आप आइकन डाल दोगे तो परफेक्ट आ जाएगा। आइकन डाल दोगे डिस्क्रिप्शन, देखो डिस्क्रिप्शन नहीं डाली ना जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ इतना ही स्पेस ले रहा है, जैसे इसमें डिस्क्रिप्शन पूरी डाली तो पूरा आ रहा है। अब बात करते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा सा करना क्या है, डिस्क्रिप्शन जो है वो भाई ज्यादा हो सकती है, तो यहां पर ना आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख देना है, सबसे पहले आपको लिख देना HTML, सॉरी स्ट्राइप अंडरस्कोर टैग्स, ये लिख देना। ये क्या करेगा, जो HTML का टैग एडिटर ने लिया होगा ना वो रिमूव कर देगा, सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। दूसरा इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिख देना है सब str, सब str, सब str क्या है, ये स्ट्रिंग का एक फंक्शन है जिसमें आप लिमिट दे दो, मैंने लिख दिया 0 से लेके 100 कैरेक्टर तक यहां पर प्रिंट करने हैं। कर दी स्क्रिप्ट टैग यहां बंद हो गया, 0 to 100 एक बार चेक कर लेते हैं, सब str का सिंटेक्स मैंने क्या गलत लिख दिया। सब str से क्या ना आप लिमिट लगा सकते हो, अच्छा पहले यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए फिर लिमिट होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, नहीं सही, तो पहले टेक्स्ट होना चाहिए, ये मेरा टेक्स्ट हो गया और फिर लिमिट होनी चाहिए, तो ठीक है टेक्स्ट फिर 0 फिर लिमिट, परफेक्ट है 0 फिर लिमिट। एक बार इस 0 को मैं हटाता हूँ, जरा चेक करते हैं, कोमा लगा के एक ही लिमिट रखी, चेक करते हैं, देखो परफेक्ट वर्क कर रहा है। एक बार इस str को मैं हटाता हूं, अब चेक करते हैं जरा क्या प्रिंट हो रहा है, परफेक्ट प्रिंट हो रहा है विदाउट सब str, सब str में मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो ये आप यहाँ लगा सकते हैं, अंदर लगा सकते हैं। सब str लगाना जरूरी इसलिए क्योंकि है क्या ना, जब आप डिस्क्रिप्शन ज्यादा डाल देंगे तो वो क्या होगा, इस बॉक्स से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर हम सब str ऐड करके लिमिट लगा देंगे कि भाई इतने ही कैरेक्टर आना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने सर्विस डायनामिक कर दी कि भाई जितनी सर्विस है वो यहाँ पर दिखने लगेगी। आप लिमिट भी लगा सकते हैं कि सिर्फ 3 सर्विस दिखनी चाहिए, 6 सर्विस दिखनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, नेक्स्ट पोर्शन है प्रोजेक्ट की कैटेगरी और प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की कैटेगरी और प्रोजेक्ट, तो ये हमारी प्रोजेक्ट की कैटेगरी है, यहाँ पर क्या है प्रोजेक्ट की कैटेगरी आनी चाहिए और फिर उसके अंदर उसके प्रोजेक्ट आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको करते, आप आ जाओ कोड पे, यहाँ पर प्रोजेक्ट, सबसे पहले हम आ जाते अपने प्रोजेक्ट कैटेगरी पर। अब यहां पर ना बड़ा ध्यान रखना है आपको, बिगिनर्स इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ये देखो प्लगइन है और प्लगइन कनेक्टेड कैसे है, देखो यहाँ पर डाटा फिल्टर स्टार, स्टार का मतलब हो गया ऑल, तो ये कनेक्टेड होगा आपके कैसे कनेक्टेड है जरा देखते हैं इसको, ये बॉक्सेस हो रहे कॉल LG4 आपका है और ठीक है, स्टार का मतलब ऑल है, इसमें तो सारे ही दिखाने हैं। उसके बाद देखो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, जो इसमें क्लास है ना वो देखो यहाँ पर भी लिखी हुई है फर्स्ट, ऐसे आप सेकंड पे देखोगे ना तो सेकंड यहाँ लिखी हुई है, तो इस तरीके से ना कनेक्टेड है। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी डायनामिक करना होगा, तो कैसे करते देखो वन बाय वन, सबसे पहले कैटेगरी को डायनामिक कर देते, तो कैटेगरी में ऑल तो हमारा फिक्स है, इसमें तो सभी आएगा, इसमें तो सब आएंगे, उसके बाद इसको डायनामिक करते, देखो इसको मैंने हटा दिया सेकंड को, इस चीज को रिपीट करना है मुझे, सॉरी इस चीज को रिपीट करना है, इससे पहले मैंने क्या करा कोड लिख दिया PHP डॉलर कैटेगरी डाटा, कैटेगरी डाटा यहां मैंने लिख दिया फेच ऑल डाटा,
अब चलते हैं अपने टेबल पे। टेबल हमारी क्या है, कैटेगरी की, कैटेगरी की टेबल, टेबल क्या प्रोजेक्ट कैट है, तो इसको मैंने कर लिया कॉपी। यहाँ पे तो एक ही कैटेगरी बना रखी है मैंने, तो एक आधी कैटेगरी और बना देते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। अब ठीक है, दो कैटेगरी हो गई हमारे पास। अब आ जाए, यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट और यहां मैंने चला दिया लूप वाइल डॉलर कैटेगरी माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फेच अंडर स्कोर एरे डॉलर कैटेगरी डाटा। और इस एल आई के बाद मैंने क्या करा, इस लूप को बंद कर दिया। ये लूप क्या करेगा कि हमारी कैटेगरी की टेबल में जितनी भी कैटेगरी होंगी उन सबको ये फेच करके लेके आएगा, सिलेक्ट करके लेके आएगा। अब यहां मैंने क्या करा, पीएचपी इको डॉलर कैटेगरी, और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है नेम होगा कॉलम का नाम, नेम नेम, तो ये कैटेगरी प्रिंट हो गई। लेकिन मुझे इसको भी तो डायनामिक करना है, क्योंकि ये क्या है, बार बार चेंज होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फर्स्ट की इमेज दिखाएगा सिर्फ ये। तो यहां मैंने क्या करा, फर्स्ट के साथ ना php echo डॉलर कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी आईडी। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, फर्स्ट वन फर्स्ट टू इस तरीके से क्लास के नाम को बदल देगा। तो ये कैटेगरी देखो हमारा परफेक्ट हो गया, चेक कर लेते हैं, कैटेगरी हमारी परफेक्ट हो गई। देखो चलना बंद हो गया ना, तो परफेक्ट है हमारा, जो है काम सही कर रहे हैं। अब हमें इसको क्या करना है, कनेक्टेड करना है। तो अब इधर आ जाओ, इस वाले पे आपको क्या करना है कि ये जो कोल एल जी फोर है ना, सिर्फ एक रखना है, बाकी को डिलीट कर देना है, बाकी को आपको डिलीट कर देना है। ये बाकी को मैंने डिलीट कर दिया, ये बाकी का जो है डिलीट हो गया। अब देखो जो चीज है ना कोल एल जी फोर, इससे पहले मैं क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा, इसके लिए अलग लूप चलेगा। अब इसके लिए मैंने क्या लिखा, पीएचपी। अब यहां पर क्या है, हम डाटा ले आते हैं प्रोजेक्ट की टेबल से, जो भी हमारे प्रोजेक्ट के टेबल में है। तो हमारी टेबल है गार्ड अंडर स्कोर प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर हमारा डाटा है, इसको हम ले आते हैं। तो इसके अंदर क्या है ना, पहले कुछ डाटा फीड कर लेते हैं। एडमिन पैनल क्लोज हो गया गलती से, और एडमिन पैनल ओपन कर लेता हूं। एडमिन एडमिन, तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐड कर लेते हैं। मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, इसके अंदर मैंने क्या करा, कुछ ईमेल डाल दिया, हेडिंग मैंने लिख दिया इस पे, ये लिख दिया मैंने सबमिट। तो अब जो है ये कैटेगरी वन के अंदर दोनों आ गए। उसके बाद मैं क्या करता हूं, कुछ और डाल लेते हैं प्रोजेक्ट, कैटेगरी वन में तीन आ गए। अब कैटेगरी टू में डाल लेते हैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में, तो कैटेगरी टू में एक आ गया। अब लिखते हैं यहां पे कोड, अब डॉलर प्रोजेक्ट डाटा, यहां पे फंक्शन कॉल करा लेंगे हम फेच ऑल डाटा, इसके अंदर आ जाएगा हमारी टेबल का नाम जो भी है, ये टेबल का नाम आ गया। लूप चला लेंगे वाइल डॉलर प्रोजेक्ट माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फेच अंडर स्कोर एरे और इसको मैंने कर दिया अब हमें क्या करना है, देखो
ये जो है यहाँ पर ये फर्स्ट जो लिखा है एक तरह से क्या है, कैटेगरी का नाम है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम प्रिंट कर देंगे पीएचपी इको डॉलर प्रोजेक्ट। यहां पर आपको प्रिंट करनी है कैटेगरी की आईडी, कैट अंडर स्कोर आईडी, कैट अंडर स्कोर आईडी। इससे क्या होगा कि आपकी जो कैटेगरी है ऊपर ये कैटेगरी की आईडी और हमारे प्रोजेक्ट टेबल में जो कैटेगरी की आईडी स्टोर है वो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। अब हमें प्रिंट क्या करना है, इमेज प्रिंट करनी है। तो यहां पर हम लिख देंगे एडमिन अपलोड्स और उसके अंदर क्या करना है, इमेज पीएचपी इको डॉलर प्रोजेक्ट इमेज। चेक कर लेते हैं एक बार प्रोजेक्ट टेबल में क्या नाम है, इमेज नाम है। और उसी के साथ साथ यहां पे हमें क्या प्रिंट करना है, नेम। तो पीएचपी इको डॉलर प्रोजेक्ट नेम। अब ये क्या है आपका आईएमजी सर्विस वन, ठीक है। ये जो कोड आपने यहां लिखा ना यही सेम कोड जो है आप यहां पर भी लिख दो। ये क्या कर रहा है, ये ना आपका पॉपअप ओपन कर रहा है, तो यहां पर भी लिख दिया मैंने, परफेक्ट है। एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ओहो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, माई एसक्यूएल फेच आर एक्सपेक्ट्स एटलीस्ट वन पैरामीटर। एक बार चेक कर लेते क्या मिस्टेक हुई है, यहां पर देखो मैंने कुछ पास ही नहीं किया। आप चेक कर लेते हैं क्या डाटा आ रहा है हमारे पास। तो देखो परफेक्ट, ये ऑल में तो चारों इमेज आ रही है। अब जरा क्लिक करके देख लेते हैं, मैंने क्लिक किया कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड पे देखो क्या हमारे पास तीन है। ऑन गोइंग पे किया मैंने क्लिक, तो ऑन गोइंग पे देख रहे हो एक है। तो इस तरीके से कैटेगरी और कैटेगरी का डाटा कैसे रिलेट हुआ आपको अच्छे से समझना है। मैंने इसको रिलेट किया आईडी से, आईडी से इनका रिलेशन मैंने बनाया कि जो आईडी कैटेगरी की प्रिंट हो रही है वही आईडी इस बॉक्स में मैंने प्रिंट करी ताकि एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट भी हमारा डायनामिक हो गया। अब हम कुछ भी यहां पर अपडेट करेंगे वो हमारे होम पेज पर अपडेट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट है हमारा टीम, टीम चेक कर लेते हैं, ठीक है एक है, एक ही प्रिंट करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हमें क्या करना है, टीम प्रिंट करवानी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन ये रहा हमारा टीम। तो इसमें भी सेम आपको ऐसे करना है, जो रिपीट हो रहा है इसको आप डिलीट करो। तो हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है। तो जो एक बॉक्स है उससे पहले आप क्या करो, उससे पहले आप डाटा ले आओ। मैंने लिखा पीएचपी डॉलर टीम डाटा फैच ऑल डाटा। यहां पर देखो पूरे पेज पे ना फैच ऑल डाटा ही यूज होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं हमारी टेबल का नाम, टीम टेबल ये रहा टीम। तो ये हो गया टेबल का नाम। वाइल डॉलर टीम इक्वल टू माई एसक्यूएल आई फेच अंडर स्कोर एरे डॉलर टीम डाटा। और ये जो कोल एल जी फोर है इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। अब बस कुछ नहीं करना, हमें नाम प्रिंट करना, इमेज प्रिंट करनी है। तो यहां पर हटा दो इसे, यहां लिखो आप एडमिन अपलोड्स और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैं लिखा पीएचपी एको डॉलर टीम और इसके अंदर इमेज। अब चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या है हमारी टेबल में, नेम है और डेजिग्नेशन है। तो ठीक है ये हो गया नेम, तो इसको हटा देते हैं। यहां पे प्रिंट करते हैं पीएचपी इको डॉलर टीम नेम, ये हो गया नेम। और यहां डेजिग्नेशन प्रिंट कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं जरा, पीएचपी इको डॉलर सॉरी डॉलर टीम डेजिग्नेशन।
तो नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, बाकी हमें सोशल मीडिया की जरूरत है नहीं क्योंकि उसका हमने यहाँ पे दिया ही नहीं है ऑप्शन। तो इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सॉरी। देखो तो ये भी क्या हुआ, डायनामिक हो गया। इस सोशल मीडिया को आप चाहो तो हटा सकते हो, नहीं अगर आपको रखना है तो आपको क्या करना होगा, एडमिन में और अपनी टेबल में वो ऑप्शन देना होगा सोशल मीडिया ऐड करने का। तो ये हमारी टीम जो है वो भी डायनामिक हो गई। अब होम पेज पे हमारा लास्ट सेक्शन रह गया टेस्टिमोनियल, फिर इसके बाद हम बाकी के पेजेस देखेंगे। तो लास्ट हमारा यहाँ एडमिन में क्या टेस्टिमोनियल है, चेक कर लेते हैं जरा। एक टेस्टिमोनियल ऐड है तो देख लेते हैं इसको प्रिंट करके। टेस्टिमोनियल देखो, टेस्टिमोनियल जो है एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा, आउल कैरोसेल है तो इसमें कोई एक्टिव वगैरह तो होता नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, एक चीज रखनी है बस हमें, बाकी को डिलीट कर देंगे। तो हमको जो है ये रखना है आउल कैरोसेल, ये रखना आपको टेस्टिमोनियल आइटम। बाकी के जो टेस्टिमोनियल आइटम है ये रिपीट हो रहे हैं, इसको आप डिलीट कर दो। ये जो टेस्टिमोनियल आइटम है, इस टेस्टिमोनियल आइटम में मैंने लिखा पीएचपी डॉलर टेस्टिमोनियल डाटा फेच ऑल, और यहां पे क्या करेंगे हम टेस्टिमोनियल का नाम दे देंगे। तो ये है आपका टेस्टिमोनियल्स, इसमें क्या एक ही है, आप जितनी भी एंट्री करोगे डायनामिक हो जाएगा तो अपने आप आ जाएंगे यहां पर। अब यहां चला देंगे लूप व्हाइल डॉलर टेस्टी इक्वल टू माई एसक्यूएल आई फेच एरे। इसके अंदर हमने पास कर दिया डॉलर टेस्टिमोनियल डाटा, इसके बाद हम लूप को बंद कर देंगे, सेव करते हैं। यहां पे कुछ नहीं करना, हमें इमेज प्रिंट करनी है तो सेम वही एडमिन अपलोड्स पीएचपी एको डॉलर टेस्टी इमेज, तो इमेज प्रिंट हो गई। यहां हमें डिस्क्रिप्शन प्रिंट करनी है, यहां डिस्क्रिप्शन प्रिंट कर देते हैं। पीएचपी इको चेक कर लेते हैं कॉलम का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन है तो डॉलर टेस्टी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद नेम और प्रोफेशन, नेम और प्रोफेशन तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, ये टाइप ना करना पड़े। ये हो गया नेम, ये हो गया प्रोफेशन, नेम और प्रोफेशन, सॉरी प्रोफेशन। चेक करते हैं जरा आउटपुट, तो परफेक्ट, ये भी हमारा डायनामिक हो गया। तो आपने देखा कि इंडेक्स पेज पे जो भी चीज मैंने डायनामिक करी उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा फेच ऑल डाटा फंक्शन यूज हुआ। होता ही यही है, जब भी आप वेबसाइट डायनामिक करोगे आपके जितने भी पेजेस, अभी बाकी के पेजेस भी करके दिखाता हूं, सारे पेजेस पे सेलेक्ट की क्वेरी चलती है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट पेज पे हम इंसर्ट की क्वेरी चलाते हैं कि डाटा इंसर्ट हो जाए हमारा। तो इंडेक्स पेज तो कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है हमारा ये आवर टीम। अब कुछ नहीं है, देखो इंडेक्स पेज बन गया तो आवर टीम भी बन जाएगा, एरर थ्रो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आ जाओ यहाँ पे आवर टीम पे, ये हमारा टीम का पेज है। आप इंडेक्स पे जाओ, इंडेक्स पे सबसे टॉप पे चले जाओ, जो आपने इंक्लूड कराया उसको आप यहां पर पेस्ट कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका टीम वाला एरिया है, अगर आपको सिंपल रखना है तो क्या करो, आप इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर देंगे। सिर्फ अब हमारे पास एक सेक्शन है, एक डिव है। इस एक डिव में आपको दोबारा कोड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो आपने इंडेक्स पे किया ना सेम यही इंडेक्स वाला कोड जो है आप कॉपी कर लो, आपको दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। इस पूरे पीएचपी कोड को कर लो कॉपी
और इस टीम वाले पर पेस्ट कर दो। तो चेक करो, देखो टीम पेज हमारा ऑलरेडी डन है, देखो। तो इंडेक्स पेज देखो मेन होता है, अगर इंडेक्स पेज बन गया ना तो इंडेक्स पेज से ही ज्यादातर चीजें कनेक्टेड होती है। जैसे टीम पेज हमारा डायनामिक हो गया, अब जितने भी टीम के मेंबर होंगे सब आ जाएंगे यहां पर। ऐसी सेम प्रोजेक्ट में है, मैं प्रोजेक्ट पे गया, प्रोजेक्ट पे भी मैं क्या करूंगा, मैं प्रोजेक्ट पे सेम सबसे पहले तो ये इंक्लूड करा लूंगा जो ऊपर है, इसको मैंने इंक्लूड कर दिया। और इंडेक्स पे जो प्रोजेक्ट वाला एरिया है उस पे जो मैंने कोड लिखा है सेम वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा मेरे प्रोजेक्ट वाले पेज पर भी। तो देखते हैं कहां लिखा है कोड, मिला नहीं सर्च करने पर। ये सर्विसेज है, उसके बाद ये कोड है और ये हमारा प्रोजेक्ट है। देखो प्रोजेक्ट पे क्या है, सेम यही कोड में क्या करता हूँ पूरा पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये डिव यहां बंद है, मैं इस पूरे कंटेनर को ही उठा लेता हूं, इस पूरे कंटेनर को ही मैंने उठाया और प्रोजेक्ट वाले पेज पर गया मैं और इस कंटेनर से मैंने क्या करा, रिप्लेस कर दिया। इस कंटेनर से मैंने क्या करा, रिप्लेस कर दिया। देखो चेक कर लेते हैं जरा, सेव किया, चेक करते हैं जरा, प्रोजेक्ट्स पे गया मैं तो देखो परफेक्ट। तो हमारा इंडेक्स पेज कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट्स पेज कंप्लीट हो गया, तीन पेज कंप्लीट हो गया, तीन पेज हमारे कंप्लीट हो गए। अब लास्ट पेज रहता है हमारा, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट रहता है सर्विस। तो सर्विस वाले पेज पे चलते हैं। सर्विस वाला पेज भी सेम इंडेक्स से ही कनेक्टेड है, लेकिन इसमें आप ये सीखोगे डायनामिक पेज कैसे बनाते हैं। तो मैंने कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट किया सबसे पहले तो ये, उसके बाद इंडेक्स में जहां पर भी सर्विस है, इंडेक्स में जहां पर भी सर्विस है, सर्विस का जो हमने कोड लिखा वही सेम कॉपी होगा, लेकिन इसमें डायनामिक पेज का कॉन्सेप्ट है तो वो भी मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले इसको कर लेते हैं कॉपी, और इसमें जो सर्विस है ना इसको हम कर देंगे डिलीट। ये जो फोर है ना इनको हम कर देंगे डिलीट। तो देख रहे हो कितना इजी है, आपने इंडेक्स पेज अगर अपना डायनामिक कर लिया तो बाकी के पेजेस जो है बड़े आसानी से डायनामिक हो जाएंगे। मेन आपका इंडेक्स पेज होता है। ये मैंने कर दिया पेस्ट, चेक करते हैं जरा, देखो परफेक्ट हमारा सर्विस जो है वो भी डायनामिक हो गया। लेकिन इसमें देखो एक चीज रहती है, इसमें पेज भी नहीं है, अभी नया बनाना पड़ेगा हमें। इसमें हमें क्या करना है कि जब मैं रीड मोर पे क्लिक करूं तो सर्विस डिटेल का पेज खुलना चाहिए, सर्विस डिटेल का पेज खुलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पेज बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, फिलहाल इसी सर्विस की कॉपी कर लेता हूं, वो आपके डिजाइन के ऊपर है कि आपका क्या डिजाइन है, वो आप उससे देख लेना। मैं फिलहाल इसी को बना देता हूं सर्विस डिटेल। तो मैंने एक पेज बनाया सर्विस डिटेल और सर्विस को भी ओपन कर लेता हूं साथ ही साथ। अब मैं चाहता हूं कि मैं जिस सर्विस पे रीड मोर करूं उसकी पूरी डिटेल आ जाए, उसका एक डिटेल पेज हो जिसमें सारी डिटेल आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सर्विस और सर्विस डिटेल को कनेक्ट कैसे करें, मतलब यहां पर ना आपका वो टॉपिक आ गया कि पेजेस डायनामिक कैसे होते हैं। अभी तक आपने जो देखा वो देखा सेक्शन कैसे डायनामिक होते हैं, बॉक्सेस वगैरह डायनामिक कैसे होते हैं। अब आप इसमें यह समझ रहे हो कि मेन्यू के अंदर अगर ड्रॉप डाउन है या फिर क्लिक करने पे कोई पेज खुलेगा तो वो कैसे डायनामिक होगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, यहां पर जाना है जहां पर आप लिंक देना चाहते हैं, जो रीड मोर है मैंने यहां पर लिखा service detail.php क्वेश्चन मार्क सर्व आईडी, नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने लिखा सर्व आईडी पीएचपी को डॉलर सर्विसेस आईडी। ये सेम टू सेम ना उससे मिलता जुलता है, जैसे हम अपने एडिट बनाते हैं एडिट, उसके जैसा ये कि जब एडिट पे क्लिक करते हो तो क्या होता है उसका डाटा आता है। तो सेम ऐसे ही डायनामिक पेज का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस पे जरा चलते हैं, तो इस पे जब क्लिक करता हूं तो एक पेज ओपन होता है सर्विस डिटेल सर्व आईडी। अब इस पे मैं क्या चाहता हूं, इस पे मेरे को डाटा प्रिंट करना है। तो सर्विस डिटेल पे गया मैं और सर्विस डिटेल में मैं ये सब हटा देता हूं और मैं चाहता हूं यहां पर मुझे सिंपल डाटा प्रिंट करना है, मैंने जिस पे भी क्लिक किया। इसके लिए आपको क्या करना है,
मैं इसको कोल एलजी 12 बना लेता हूँ, डिव क्लास कोल एक्सेल 12 बना लिया मैंने। और मैं चाहता हूं मुझे यहां प्रिंट करना, देखो यहाँ डिजाइन नहीं है मेरे पास, आप अपने डिजाइन पे इसको रिलेट कर लेना। मेन है कॉन्सेप्ट, मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि डायनामिक पेज में किस तरीके से वर्क किया जाता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चलेगा हमारा सेलेक्ट बाय आईडी चलता है यहाँ पे। तो मैंने लिखा है इस कोल एक्सेल 12 पे, पीएचपी मैंने स्टार्ट करी, मैं लिखा डॉलर सर्विस डाटा और यहां मैं लिखा सेलेक्ट डाटा बाय आईडी। और मुझे पता नहीं यही नाम है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट डाटा बाय आईडी कॉपी कर लेते हैं जरा, ठीक है। उसके बाद हमें देना है टेबल का नाम कि भाई कौन सी टेबल से डाटा आएगा, तो वो आएगा हमारा सर्विस टेबल से। तो सर्विस टेबल मैंने कॉपी किया, इसे इस सर्विस टेबल हो गए। उसके बाद क्या है आईडी, तो आईडी हमें मिलेगी डॉलर अंडर स्कोर गेट से हमें आईडी मिलेगी, सर्व आईडी, मतलब कि ये जो मैं आईडी भेज रहा हूं ना, ये वन ये आईडी मेरे को मिल गई। मैंने इस आईडी को टेबल को टेबल का नाम भेजा, अब इसके अंदर डाटा आ जाएगा। अब मैं यहां प्रिंट कर लूंगा, मैंने लिख दिया कि भैया यहां पे H2 कि मुझे यहां पर हेडिंग प्रिंट करनी है, पीएचपी इको डॉलर सर्विस डाटा। सर्विस में एक बार चेक कर लेते हैं नाम क्या है, नेम है और डिस्क्रिप्शन है और इमेज है। तो हमें नेम दिखाना है यहाँ पे कि भैया ये सर्विस है मेरी। डिस्क्रिप्शन जो है हमने एडिटर से डाली है, तो उसके लिए आपको सीधा लिखना है पीएचपी इको डॉलर सर्विस डाटा डिस्क्रिप्शन। तो चेक कर लेते जरा एक बार, हम देखो परफेक्ट, मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूं उसी का हेडिंग और डिस्क्रिप्शन आ रहा है। देखो आप क्लिक करके ये देखो सर्विस टू का आया, मैं 3 पे कर रहा हूं 3 का आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारा डाटा दिखा सकते हो, यहाँ डिजाइन नहीं है इसलिए मैंने हेडिंग और डिस्क्रिप्शन दिखाया। अब क्या इसके अंदर डाटा आ गया, अब जिस आईडी पे क्लिक करोगे उसका डाटा आ रहा है। इस तरीके से ना डायनामिक पेजेस का जो कॉन्सेप्ट होता है पीएचपी में, वो यही होता है कि भैया आईडी भेजो, आईडी के बिहाव पे डाटा आ जाएगा उस पेज पे। तो ये हमारे लगभग सारे पेजेस कंप्लीट हो गए। लास्ट पेज हमारा रह गया कॉन्टैक्ट पेज, जिसपे हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट कराना है जो हमारे यहां पर दिखेगा इंक्वायरी में। तो ठीक है, ओपन कर लेते हैं कॉन्टैक्ट पे। आप क्या करो, सबसे पहले जो ऑल फंक्शन और कनेक्शन है इसको हम इंक्लूड कर देते हैं कॉन्टैक्ट पे। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट पे इंक्लूड, सेव, चेक कर लेते हैं एरर हट गया होगा। अब सिंपल है, हमें क्या करना है, इसका डाटा इंसर्ट करवाना है। तो यहां पर हमने लिख दिया इंसर्ट का कोड, और उससे भी हमें कुछ नहीं करना, अगर थोड़ा सा आलसपन आ रहा है मतलब टाइम बचाना है, तो मैं यहां से कोड कॉपी कर लेता हूं कि भाई ये भी नहीं कर रहे, हम लिख ही नहीं रहे, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया, रीडायरेक्ट हमें करना नहीं है, इसे हटा देते हैं। अब आ जाते हैं, फाइल अपलोड भी नहीं करानी, इसे भी हटा देते हैं। अब आते हैं अपनी टेबल पे, हमारी टेबल जो है वो कौन सी है, वो है आपकी इंक्वायरी। इसमें नेम, ईमेल, मोबाइल, सब्जेक्ट, मैसेज और एडिट डेट। तो ठीक है, नेम हो गया नेम, ईमेल ये हो गया ईमेल, मोबाइल ये हो गया मोबाइल, उसके बाद है सब्जेक्ट मैसेज के लिए बनाया नहीं मैंने, तो कोई नहीं, मैसेज का बना लेते हैं हम। मैसेज हो गया मैसेज, हमारे सारे कॉलम हो गए, एडिट डेट वगैरह सब हो गया। अब हमें करना क्या है, फॉर्म पे चलते हैं। हमारा जो फॉर्म है कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यहां पर हो जाएगा मेथड पोस्ट सबसे पहला, उसका जितने भी इनपुट है सब में नाम होना चाहिए। तो ये आईडी है, आईडी को मैंने कर दिया नेम, ये हो गया नेम, ये हो गया ईमेल, सब्जेक्ट
नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज और बटन का जो टाइप है वो होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे सबमिट ऑलरेडी लिखा हुआ है, बटन टाइप सबमिट और मैं इसे नेम दे देता हूं नेम सबमिट। तो हमारे पास है मैसेज, सब्जेक्ट, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। तो ठीक है यहाँ पे चलते हैं, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। मोबाइल नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल में मैं अभी फिलहाल एम्प्टी कर देता हूं। तो यहाँ पे हो गया नेम, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, ये हो गया हमारा ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। टेबल का नाम बदल देंगे हम, टेबल का नाम है हमारा भैया इंक्वायरी। सेव, चेक कर लेते जरा सेव करके कि डाटा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कौन, सही बात है, क्या हो गया इसे डॉलर कौन को, और डॉलर कौन हमने कहां लिख दिया, डॉलर कौन अनडिफाइंड नोटिस है, कोई बात नहीं चेक कर लेते हैं। सिंटेक्स एरर भी है, नोटिस भी है, सिंटेक्स एरर भी है, अगर चेक करते हैं इंसर्ट हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ। MySQL में इसने एरर दे दिया, इंसर्ट इनटू नेम, ईमेल, मोबाइल जो है मोबाइल ये बुरा मान लिया ब्लैंक, ठीक है इसको क्या करता हूँ, मोबाइल में मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, एक बार चेक कर लेते हैं मोबाइल का डाटा टाइप क्या है। मोबाइल का डाटा टाइप इंटीजर है, तो फिलहाल मैंने इसमें कर दिया 9994592827। अब चेक करते हैं जरा इंसर्ट करा के, फिर भी नहीं होता है तो एक बार देखना पड़ेगा कोड की कहां दिक्कत हो गई। परफेक्ट इंसर्ट हो गया, चेक करते हैं इंक्वायरी, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इंक्वायरी, अच्छा यहाँ इंक्वायरी नहीं आई, तो यहाँ पर हमें क्या है सेलेक्ट का कोड लगा लेना, आप यहाँ पर सेलेक्ट का कोड लगा लेना। तो इस तरीके से देखो होम पेज जो है हमारा, मतलब पूरी वेबसाइट मैंने आपको डायनामिक करके दिखाई कि किस तरीके से हम अपने सेक्शंस को, पेजेस को डायनामिक करते हैं। तो ये हमारा गार्डनर का जो पार्ट वन पार्ट टू चल रहा था वो कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ एडमिन पैनल से वेबसाइट को कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी इसमें पूरा क्लियर मैंने कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।